दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका कोई भी वीडियो जैसे अपलोड कर दिया 5 मिनट का 10 मिनट रहा यूट्यूब पे, तो उसका वॉच टाइम मेन इंपॉर्टेंट बात है। यदि वॉच टाइम बढ़ेगा तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा और यूट्यूब के लिए आपको मालूम होगा कि 4000 घंटा का वॉच टाइम होना जरूरी है। लेकिन हम सब्सक्राइबर तो पूरे कर देते हैं, लेकिन वॉच टाइम पूरा होना बहुत ही जरूरी है। तो वॉच टाइम पूरा होने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपके वीडियो में दम होना चाहिए और वीडियो देखते ही लोग लाइक करना जरूर है, ताकि ऐसा वीडियो बनाए आपकी उनको जो भी चाहिए कंटेंट, वही कंटेंट आपके वीडियो में अपलोड होना चाहिए, ताकि उससे आपके जो व्यूज भी बढ़ेंगे और यूट्यूब आपका वीडियो है वो सजेशन में आगे आगे आपको जो भी आपका जो यूट्यूब का पेज होगा उसको सजेस्ट करता रहेगा और आपका इंप्रेशन जो होता है वो भी वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेगा और CTR मतलब क्लिक करते हैं आपके जो थंबनेल है वो भी वो भूमिका निभाता है जो आपको उसके वीडियो पे देखते ही आपका उस पे क्लिक करने वाला आपका थंबनेल होना चाहिए और उसके साथ उसके जो टाइटल है उसमें भी थोड़ा बहुत दम होना चाहिए। मेन आपका वीडियो या वीडियो का कंटेंट होना चाहिए, जैसे आप जो भी जानकारी देना चाह रहे हैं, जैसे मैं अभी वॉच टाइम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ तो वॉच टाइम के बारे में आपको कुछ ऐसे चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको उसके बारे में समझ में आए और आप वीडियो आगे तक देखते रहे और उससे उसी प्रकार आपका जो कोई भी आपके कंटेंट बता रहे हैं ताकि आपको वो कंटेंट पूरा अच्छी तरह से बताना है, जो भी हो सके अपनी तरफ से पूरी आपको उस वीडियो में परफॉर्मेंस दीजिए, ताकि उस जो भी आपका जो ऑडियंस है उनको वीडियो अच्छी तरह से आपको पसंद आना चाहिए और वो आपका जो भी वीडियो है वो लाइक किए बगैर न जाए। तो उसके लिए आपको वीडियो जैसे कोई भी डिटेल है आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं भी मालूम है तो आप गूगल पर सर्च करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद वीडियो को अपलोड कीजिए और थंबनेल वगैरह HD होना चाहिए और उसके बाद वीडियो की क्वालिटी भी वगैरह थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो भी आपके ऑडियंस है उनको भी पसंद आए। और उसके साथ बहुत सारी नई जानकारी है जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैंने किस प्रकार अपना वॉच टाइम पूरा किया है और कितना टाइम लगा है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं नई वीडियो में दूंगा। इसमें मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको वीडियो में दम होना चाहिए और लोग आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि कोई भी जानकारी आपको लास्ट तक जरूर बताए और शुरुआत में ऐसा नहीं करें, बार बार नहीं बोले कि वीडियो को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, ताकि इससे आपके क्या ऑडियंस है वो देखते हैं ये कि वीडियो में दम नहीं है और ये फालतू अपना चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं और वीडियो को लाइक कराना चाहते हैं, तो उस प्रकार वो वीडियो नहीं देखेंगे। आप सीधा सीधा अपने कंटेंट पे आइए और आपका जो वीडियो के बारे में जो भी जानकारी हो आप ऐसे से बताइए और आप एक बार बीच में या फिर लास्ट में एक बार बोल सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें। यदि बार बार बोलेंगे तो वो ऑडियंस आपको जो पागल समझेंगे और वीडियो भी आपको अच्छे से नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार आपको इन बातों का ध्यान रखिए और प्रैक्टिकल क्या करने की होती है इसमें ज़रूर, ताकि आपकी वीडियो वायरल भी हो या फिर व्यूज ज़्यादा आए, उसके बारे में मैं आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा भी चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना।